Hello guys, welcome to our channel Engineer Bean. Today I'm going to cover the most important questions of Constitution. और ये यूनिट वन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें मैं सारे आपके 10 मार्क्स, 2 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस, 5 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ मैं इसमें कवर कर रही होंगी गाइस। मैंने इससे पहले मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट भी बनाई है गाइस, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं यूनिट वाइज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसमें। तो गाइस आप उस वीडियो को, प्लेलिस्ट को जाके जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सो डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बढ़ते हैं आगे विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या है? हमारे संविधान में कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं, गवर्नमेंट के पावर्स के क्या लिमिट्स हैं, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। और दूसरी चीज कि गवर्नमेंट के क्या फंडामेंटल पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, पावर्स हैं, राइट्स, ड्यूटीज, ये सब कुछ हमारे संविधान में लिखी है। हमारा संविधान बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इन तीनों ऑर्गन्स में पावर का डिविजन एकदम इक्वल इक्वल है, तीनों ही ऑर्गन्स को इक्वल पावर दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। लेजिस्लेटिव लॉ को बनाने का काम करती है, जुडिशरी उस लॉ को चेक करती है कि क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के, उनके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। एग्जीक्यूटिव उन लॉज को एनफोर्स, उन लॉज को लागू करने का काम करती है। जुडिशरी चेक करती है और अगर उसको लगता है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जुडिशरी हैज द पावर टू मेक दैट लॉ नल एंड वर्ड, उस लॉ को खारिज करने की पावर रखता है जुडिशरी। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है? या फिर अगर आपसे कोई 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें से पूछा जा सकता है डेफिनेशन सब एज अ सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन की व्हाट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था कि हमारा संविधान क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, या फिर आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज, वैल्यूज, प्रोसेसेस, गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बात करता है लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में, और ये कहीं पे रिटन नहीं है, कहीं पे ये पेपर में एज अ डॉक्यूमेंट कहीं लिखा नहीं गया। इट इज जस्ट अ फिलोसफी, और वी कैन से इट इज अ आइडियोलॉजी, जिसका मतलब है गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड इन इट्स पावर्स। हमें अनलिमिटेड पावर्स नहीं देनी है गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर अनलिमिटेड पावर्स दे दी तो वहां से डेपोटिज्म आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो डिक्टोरियल सेटअप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की पावर्स जो है देर शुड बी द लिमिट, ठीक है? और वो हमने किस तरीके से दिया है, हमने 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया है पावर का, पावर को, जो कि इक्वल डिविजन है बिटवीन लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये होता है आपका संविधान और संविधानवाद में फर्क। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। तो पहला पेज जो आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज प्रीएम्बल। उसके बाद आते हैं आपके 25 पार्ट्स, जिसमें आपके हैं 450 आर्टिकल्स। उन आर्टिकल्स के थ्रू कुछ अमेंडमेंट्स हैं उसमें, 97, 12 स्केड्यूल्स हैं और 2 अपेंडिसेस हैं। इन दोनों में आपके फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब भी आते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 2 मार्क्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 ड्यूटीज होती है आपकी फंडामेंटल, जो कि आपसे 5 मार्क्स में पूछी जा सकती है। प्रीएम्बल 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्या होता है, अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है इन 2 और 5 मार्क्स।
तो ये था हमारा स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, ये चीजें होती हैं हमारे संविधान में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। या तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में पूछ लेगा क्वेश्चन, या साइलेंट फीचर्स के फॉर्म में, या नॉर्मल की फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, विशेषताएं क्या है। तो पहला, हमारा जो संविधान है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत एकदम लॉन्गेस्ट रिटन है, बहुत लंबा लिखा गया है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं इसमें। पार्टली रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि सुधार बदलाव किए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, रिजिड नहीं है, पार्टली रिजिड है और फ्लेक्सिबल भी है। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक मतलब वी हैव द राइट टू वोट एंड वी कैन चूज आर रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज व्हाट डेमोक्रेटिक इज, वी हैव सो मेनी फंडामेंटल राइट्स एज वेल। रिपब्लिक का क्या मतलब है कि जो सुप्रीम पावर है वो दी गई है सिटीजन्स को, कैसे, क्योंकि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं थ्रू वोटिंग, तो इसलिए रिपब्लिक भी है हमारी कंट्री। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, 2 हाउसेज है उसमें, लोकसभा एंड राज्यसभा। फेडरेशन है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग बने हुए, हर एक स्टेट की अलग गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती स्टेट के साथ। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉस, लेकिन वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। नंबर 6 आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, 8 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट मतलब बहुत डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, अलग अलग कल्चर रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है, हमने देखा 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, दैट इज लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो हमने देखा कि जो लेजिस्लेटिव होती है वो लॉज बनाती है, और जुडिशरी जो है उन लॉज को इंटरप्रेट, चेक करने का काम करती है कि क्या वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है, नहीं होते तो जुडिशरी हैज द पावर टू मेक दैट लॉ नल एंड वॉइड, उस लॉ को खारिज करने की पावर रखता है जुडिशरी। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके पास ये सारी पावर्स है। और फिर आता है आपका सिंगल सिटीजनशिप, तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये एग्जाम में, और बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट में क्या था, अगस्त 1935 को पहला तो ये दिया गया। इस एक्ट के साथ आपका बर्मा एक्ट भी इंक्लूडेड था, और ये एक्ट क्या बोलता है कि इंडिया वुड बिकम अ फेडरेशन इफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट्स डिसाइडेड टू ज्वाइन इट, यानी कि इंडिया एक फेडरेशन, एक संघ बन सकता है जिसमें कि सभी लोग आएंगे, बात बात कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हम बना सकते हैं। फेडरेशन का मतलब ये है, इफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट्स डिसाइडेड टू ज्वाइन इट। अभी हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा कि इस चीज का मतलब क्या है। तो ये है कुछ फीचर्स आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। पहला कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि ये डिसाइड किया गया कि एक फेडरेशन बनाई जाएगी जिसमें कि पावर को सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में हम डिवाइड करेंगे। प्रोविंसेस का यहाँ पे मतलब है कि आपके जो स्टेट्स थे और जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, राजाओं के रजवाड़े थे, उनको बोला गया प्रोविंसेस। तो सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में पावर का डिवीजन होगा, और किस तरीके से डिवीजन होगा, इन दीज 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में सेंटर को पावर दी गई, प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंसेस को पावर दी गई, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को ही पावर्स दी गई। और अगर कुछ पावर्स बची हैं तो वो आपकी रेजिडुअल लिस्ट, रेजिडुअल पावर्स जो है वो आपकी वॉइस रॉय को दी गई। उसके बाद एबॉलिश्ड डायरकी, यानी कि प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लाया गया, यानी कि अब प्रोविंसेस अपने कानून खुद बना सकते हैं, उनको अलाउ कर दिया गया। एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे जो आपके फेडरल सब्जेक्ट्स थे उनका डिवीजन किया गया इनटू द रिजर्व एंड द ट्रांसफर्ड
सब्जेक्ट्स। तो ये हुआ एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अभी हमने देखा कि ये फेडरलिस्ट जो है वो पावर दे रही थी किसको, सेंटर को, तो इसी का डिवीजन किया गया इनटू द रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। उसके बाद एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, पहले किसी को भी राइट टू वोट नहीं था, लेकिन अब 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को राइट टू वोट दिया गया इस एक्ट के थ्रू। फिर इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 out of 11 प्रोविंसेस। तो हमारे टोटल 11 प्रोविंसेस थे, राज्य थे, जिनमें से 6 राज्यों में बाइकैमरलिज्म लाया गया, यानी कि 2 हाउसेस बनाए गए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। तो ये 6 राज्यों में बनाई गई, कौन कौन से थे वो 6 स्टेट्स, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि फेडरल यानी कि सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल यानी कि आपके स्टेट लेवल, इन पे पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के लिए एस्टैब्लिश किया गया। एबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश किया गया, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के उनको टीम ऑफ एडवाइजर्स दिए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया टू मैनेज द करेंसी। फेडरल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन प्रोविंसेस या प्रोविंसेस और स्टेट्स के बीच में, सॉरी सेंटर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए फेडरल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए, जैसे कि आपके शेड्यूल कास्ट, वुमेन, लेबर, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। तो ये है आपका फीचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि आपसे 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सो मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, इसको हम 3 जून 1947 प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये भी 10 मार्क्स के हिसाब से काफी जरूरी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, डिस्क्राइब लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, या फिर 3 जून 1947 एक्ट के नाम से भी इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है इन 10 मार्क्स। तो क्या हुआ कि 20 फरवरी 1947 को ये डिक्लेयर किया गया कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले जाएंगे और सारी पावर्स हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को दे के चले जाएंगे। तो क्या हुआ कि जो हमारे न्यू वॉइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया और ब्रिटिशर्स के सामने रखा, और ब्रिटिशर्स मान गए। और उस प्लान में क्या था कि ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन था इन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स थे और किस तरीके से पार्टीशन हुआ। तो ये है हमारे कुछ फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पहला फीचर तो यही कि डिवीजन हुआ ब्रिटिश इंडिया का इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, पहली चीज। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ऐसा, पहली चीज ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गन जिसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार बदलाव करती हो, वो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, जो लॉज इंडिया के लिए बने हैं, वही सेम लॉज पाकिस्तान के लिए भी फॉलो हो। तो इसलिए कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों के लिए सेपरेट होगी। दूसरी चीज, जो हमारे बड़े प्रोविंसेस थे, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इवन मुस्लिम पॉपुलेशन, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में थी, तो इनका पार्टीशन किया गया इन ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पे भी ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब को बनाया गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम का जो पार्ट है सिलेट, यहाँ पर वोट डलवाई गई, तो लोगों ने प्रेफर किया टू गो पाकिस्तान, मेजोरिटी ने पाकिस्तान को वोट दिया, तो ये दोनों प्रोविंस बने पार्ट्स पाकिस्तान के। अब जो हमें हमारे 563 प्रिंसली स्टेट्स, राजाओं के रजवाड़े बचे थे, उसमें से क्या हुआ कि 560 ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर दिया। बचे 3 प्रोविंसेस कौन कौन से, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद। जूनागढ़ के जो किंग थे वो मुस्लिम थे, और उनकी जो पॉपुलेशन थी, जो लोग रहते थे वहां के, वो हिंदू थे। तो किंग ने क्या किया, जिन्ना के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया,
लेकिन वहां की पॉपुलेशन ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, वहां पे वोट डलवाई, तो पता चला कि मेजोरिटी इंडिया के साथ जाना चाहती है, तो जूनागढ़ बना इंडिया का पार्ट। हैदराबाद की बात आई तो वहां के रूलर ने कुछ अलग ही सोचा। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बात और कही थी कि प्रिंसली स्टेट्स या तो इंडिया का पार्ट बन सकती हैं, या पाकिस्तान का पार्ट बन सकती हैं, या फिर वो फ्री रह सकती हैं। तो जो हैदराबाद के रूलर थे उन्होंने सोचा कि हम फ्री रहेंगे, हम ना तो इंडिया का पार्ट बनेंगे ना ही पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अल्टीमेटली वो भी इंडिया का पार्ट बन गया। अब बचा जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान ने सोचा कि इंडिया ने ऑलरेडी जूनागढ़ और हैदराबाद को अपना पार्ट बना लिया है, तो उन्होंने क्या करा कि पाकिस्तान आर्मी ने अटैक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहां से आ गई पाकिस्तान आर्मी अटैक करने। अब जम्मू एंड कश्मीर के जो रूलर थे वो थे इंडियन, हिंदू थे वो, हिंदू थे वो, तो उन्होंने जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर लिया। इंडिया ने कहा हाँ हम तुम्हें बचाएंगे, तो इधर से इंडिया ने इंडियन आर्मी भेज दी, इधर से पाकिस्तान की आर्मी अटैक कर रही है। तो क्या हुआ कि जो पार्ट पहले से ऑक्यूपाइड था बाय द पाकिस्तान आर्मी, वो आज भी जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान का ही पार्ट आता है। तो इस तरीके से डिविजन हुआ प्रिंसली स्टेट्स का। रिपील्ड द यूज ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, ब्रिटिश क्राउन का जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया, उसका यूज करने से भी मना किया गया इस एक्ट के थ्रू। अब पाकिस्तान और इंडिया में हुआ डिवीजन, कौन कौन उनके प्राइम मिनिस्टर बने वो देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन ये बने प्राइम मिनिस्टर, और लॉर्ड माउंटबेटन बने गवर्नर इंडिया के। पाकिस्तान की बात करें तो लियाकत अली खान को बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, और मोहम्मद अली जिन्ना बने गवर्नर जनरल। तो ये था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या 3rd जून एक्ट, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन एक्ट। तो गाइस ये आपसे पूछा जा सकता है इन 10 मार्क्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है हमारी हिस्ट्री का। अब आता है प्रियम्बल क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज ही प्रियम्बल है, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रियम्बल। तो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमें ये बताता है, किसी भी एक्ट का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि पर्पस क्या है, फिलोसफी क्या है, यूजेस आइडियाज एस्पिरेशंस प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस एक्ट के, वो सब कुछ हमारा बताता है प्रियम्बल। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज प्रियम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस फिलोसफी पे लिखा गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है लिखने का, ये सारी चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट किया गया, और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करा गया। आगे बढ़ते हैं, इमरजेंसीज प्रोविजन। गाइज अगर आप इस वीडियो में यहां तक आ गए और आपको पसंद आ रही है वीडियो, सो डू लाइक इट एंड शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इमरजेंसी प्रोविजंस किस कंट्री के संविधान से लिए गए हैं, किस कंट्री से लिए गए हैं, आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ से इमरजेंसी प्रोविजंस को लिया गया है। ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, पेपर में आने के काफी चांसेस हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्या होते हैं हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कब इसको लगाई जाती है, और ये कितने टाइप की होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। आर्टिकल 18 में इमरजेंसी के बारे में लिखा है, इनके प्रोविजंस के बारे में। आर्टिकल 352 टू 360 के बीच में लिखा गया है, और जब भी कोई इमरजेंसी लगानी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर्स बढ़ जाती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो कम हो जाती हैं। सेंट्रल के पास पावर होती है सभी पर इमरजेंसी लगाने की, तो यहाँ पर इसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। जब भी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आती है तब हम इमरजेंसी को लगाते हैं। 3 टाइप की होती है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लिखी है आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी लिखी है आर्टिकल 356 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी लिखी है आर्टिकल 360 में। नेशनल इमरजेंसी को कब लगाया जाता है, जब कोई वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म्ड रेबिलियन हो। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को कब लगाया जाता है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल भी कह सकते हैं, और ये तब लगती है जब सपोज कोई स्टेट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तब प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगा पाए, लगा सके।
ठीक है, और इसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जान सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 मार्क्स में आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आए विच इज थ्रेटनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया। जब हमारे इंडिया के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कोई खतरा आता है, तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाते हैं। नेशनल इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट का क्या रोल होता है? कि दोनों ही हाउसेस जो है पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी जो है वो एग्री करनी चाहिए विद इन 1 मंथ। अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि 75% ऑफ पॉपुलेशन आपकी पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें से कि 50% जो है वो फेवर में होगी, तभी हम वो उस चीज को अग्री कर पाएंगे। तो ये होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी। तो ये चीज विद इन 1 मंथ एग्री हो जानी चाहिए आपकी स्पेशल मेजोरिटी दोनों ही हाउसेस से। यहाँ पे क्या होता है, 2 मंथ्स का दिया जाता है टाइम, और यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी एग्री हो सकता है, और यहाँ पर भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू विद इन 2 मंथ्स अप्रूवल होना चाहिए, तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जाता है। स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए लगती है। नेशनल इमरजेंसी आपकी कितने भी टाइम तक लग सकती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी कोई ऐसी लिमिट नहीं है, बस टाइम टू टाइम वी हैव टू रिवाइज। तो ये हुआ इमरजेंसी के बारे में, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइज, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि ये प्रोविजन कौन से कंट्री से लिए गए हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 8 फंडामेंटल राइट्स है। ये आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। कुछ ऐसे बेसिक राइट्स जो सभी को ही दिए गए हैं, इंडिया के सारे सिटीजन्स को दिए जाते हैं ये राइट्स बिना किसी भेदभाव के। कोई भेदभाव नहीं होता रिलीजन का, कास्ट का, सेक्स का, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी चीज का कोई भी भेदभाव नहीं होता। सभी को इक्वली ये राइट्स दिए जाते हैं, और ये बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। क्या क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू लाइफ एंड राइट टू एजुकेशन। तो ये कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, अब हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आर्टिकल 51A में हमें दी गई। तो जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में, उसमें दी गई 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी, तो उसके थ्रू ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। लेकिन एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये हमारी कुछ फंडामेंटल 11 ड्यूटीज हैं कि हमें अपने संविधान की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि हमें नेशनल फ्लैग को जलाना, जमीन पे गिरना, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। चेरिश द नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड, प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया कंपोजिशन कल्चर, नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कंपैशन, दया भावना होनी चाहिए लिविंग क्रिएचर्स के लिए, साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंजरी एंड रिफॉर्म, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्ट वायलेंस, स्ट्राइक फॉर एक्सीलेंस इन ऑल इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स फॉर गेटिंग एजुकेशन। तो ये हमारी कुछ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। गाइज, ये भी आपसे 5 मार्क्स में पूछी जा सकती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। उसके बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी यानी कि स्टेट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ प्लान्स बना रही है, कुछ पॉलिसीज बना रही है। तो उन पॉलिसीज के कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि ये प्लान्स इसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। कुछ लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग एक स्टेट को प्लान्स बनाने चाहिए। गाइस, ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इससे डील करता है, यानी कि पार्ट 4 में सब लिखे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ इंस्ट्रक्शन है जो स्टेट को दिए जाते हैं जिससे कि वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए अपनी पॉलिसीज के थ्रू। तो इसी टाइप के प्रिंसिपल्स लिखे हैं। 3 टाइप के होते हैं ये, सोशियो लिस्टिक,
गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, तीन टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं आपके। दो टाइप के हमारे सिस्टम हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे लोकसभा राज्यसभा है। फेडरल सिस्टम यानी कि जहां पे गवर्नमेंट पावर्स को डिवाइड करे। कैसे डिवाइड करे? एक तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि पावर ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो इन तीनों के बीच में व्हेन देयर इज द डिविजन ऑफ पावर, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, फेडरल सिस्टम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पावर एक ही सिस्टम, एक ही ऑर्गन को दे दी गई है। अलग अलग पावर्स का डिविजन है बिटवीन स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पार्टी विद द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जिसके भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही बनता है हमारा लीडर, उसी को हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, जो कि वोटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये चीज हुआ हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द फेडरल सिस्टम। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है गाइस ये आपसे। उसके बाद आता है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस। तीन टाइप के होते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फाइनेंशियल रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नहीं, आपका जो 7th स्केड्यूल होता है उसमें आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात की है। किस किस के बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है बिटवीन योर सेंटर एंड स्टेट्स, उस चीज के बारे में बात की है लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंडर। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है इंटू 3 लिस्ट। तो पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंड थर्ड वन इज द स्टेट लिस्ट। फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करी गई है बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर, और आर्टिकल 256 से 263 तक इसके बारे में लिखा गया। फाइनेंशियल रिलेशंस जो है स्टेट और सेंटर के, यहाँ पर उसकी बात करी गई है आर्टिकल 268 और 293 के बीच में इसके बारे में लिखा गया। और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यूज दिए गए हैं टू बोथ स्टेट एंड द गवर्नमेंट। तो गाइज ये भी 2 मार्क्स के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ अगस्त 2015। अमेंडमेंट्स का क्या मतलब होता है? कोई भी सुधार या बदलाव अगर हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनको हम अमेंडमेंट एक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 104 अमेंडमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो हो चुके हैं जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। देर आर 3 वेज इन विच कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से उसमें सुधार बदलाव किए जा सकते हैं। पहला तो बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, अगर वोट दे रही है सिंपल मेजोरिटी तो तब हो सकता है अमेंडमेंट, या फिर स्पेशल मेजोरिटी दे रही हो। स्पेशल मेजोरिटी क्या कि 75% टोटल पॉपुलेशन हो जिसमें कि 50% पॉपुलेशन फेवर में हो तो उस चीज को अप्रूव्ड कर दिया जाएगा, या फिर अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स का रोल आ जाता है। तो इस तरीके से अमेंडमेंट्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो गाइज ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिट 1 के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर आपका कोई सजेशन है तो गाइज वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।